लोहा गरम है, मार दो हथौरा नहीं, लोहा को इतना पीटो कि लोहा गरम हो जाए। जिसकी हिम्मत है मेरे नौकरी ले लो, लोहा पीटते रहेंगे, एक ही जगह पीटेंगे, डरेंगे नहीं किसी से, चौक चौक पर तुम्हारे जवाब देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हें दर्द कहां होता है, होश ठिकाने आ जाएंगे। तो आरएसएस समझ गया है बीजेपी कि ये लोग सीरियस नहीं अपने समस्या को, कि मुर्गा कटता है तो एक एक जो है कटते रहता है, दूसरा दाना चुगते रहता है। लाठी की लड़ाई करने के तो सिपाही हमारे पास लाखों है, अभी तो यहाँ की लड़ाई लड़नी है, बुद्धि की लड़ाई लड़नी है। कहीं आप चिट्ठी लिख दो, मैं राजनाथ सिंह से पर्सनली मिला था, आर्टिकल लिखूंगा, किताब लिखूंगा कि अलग कचरा साफ करवाने जाऊंगा वहाँ, अलग कचरा साफ करवाने जाऊंगा वहाँ। ऐसे ही लोगों का दमन कर रहा है सरकार, और सब प्रिंसिपल वाइस चांसलर हर जगह आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, और सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है कागज कि हम जाति जनगणना नहीं करा सकते। इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी वाला दिन मुझे वापस दो, क्योंकि वो दलितों के लिए बेटर काल था, सुरक्षित था, उसको मारता नहीं था कोई, आईआईटीज में एडमिशन हो रहे थे, वैकेंसीज निकल रही थी। राजीव गांधी वाला समय वापस करो, जब वहां स्पेशल ड्राइव आ रहे थे। मोदी जी अपने अच्छे दिन ले जाओ, और मुझे इंदिरा गांधी वाले पुराने दिन वापस कर दो, खास तौर से इमरजेंसी वाले दिन ही मुझे वापस कर दो। और ये बात मैं कह रहा हूँ दलित पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, कोई मैडम कह रही थी कि दलित शब्द का इस्तेमाल ना करें, इस पर कभी डिबेट कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि दलित शब्द से सबसे ज़्यादा परेशानी आरएसएस को है। तरह तरह की समस्याएँ जो है, 1001 साल समस्या होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। 1000 समस्याएँ भी लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि 1000 समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, ये भी पता है। और वो पता ऐसे है कि सब सीधे एक बार जाएंगे, संसद में कब्जा कर लेंगे, सरकार बना लेंगे, और गुंबद पे जब वहाँ बैठ जाएंगे संसद के गुंबद पे, वहाँ से सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं, दूरबीन से अफगानिस्तान तक शासन करेंगे, उस दिन सारे समस्या का समाधान करेंगे। ये समझ है हमारे दलित समाज की, कह रहा हूँ, अगर बैकवर्ड वाले चाहें तो अपने ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो आरएसएस समझ गया है बीजेपी कि ये लोग सीरियस नहीं अपने समस्या को लेकर, और डर भी गया, इसलिए मोदी जी ने गुंबद वाला संसद हटा के सपाट वाला संसद इधर ला दिया, कहीं संसद पे कब्जा कर लेगा। बी सीरियस अबाउट द प्रॉब्लम, और दीवार पे अगर सुराख करनी हो, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर सोशल ऑर्गेनाइज, पॉलिटिकल पार्टी के लोग पॉलिटिकल काम करेंगे, जब हम राजनीति में जाएंगे तो फिर हाउस में बहस करेंगे, लेकिन यहां भी बहस करेंगे। ये दीवार पर सुराख करनी हो तो एक समय में ड्रिल मशीन एक ही जगह रखा जाता है, 1000 जगह रखेंगे तो कभी आप सुराख नहीं कर पाएंगे। बीजेपी एक इसे उठाई थी राम मंदिर, और राम मंदिर से उसने भारत वर्ष पर कब्जा कर लिया, कब्जा ये कह रहा हूं शब्द, इंडियन रिपब्लिक पर कब्जा कर लिया, और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने बॉडीज हैं सबको तबीयत से ध्वस्त कर रहा है। हम लोग इधर भी लड़ रहे हैं, उधर भी लड़ रहे हैं, यहां भी लड़ रहे हैं, तो पता है कि सब सीरियस तो है नहीं, एजेंडा वो सेट करता है, हम रिएक्ट करते हैं। मैं समझता हूं एक अनुभव मैं जरूर साझा कर सकता हूं, दो अनुभव, एक तो 2 अप्रैल का भारत बंद, फेसलेस, एक एजेंडा भारत बंद, अनिल जैन साहब के नेतृत्व में संविधान बचाओ संघर्ष समिति 5 मार्च 2019 को 5 लोग बैठ के डिसाइड किया था कि 5 तारीख को हम लोग भारत बंद कॉल करते हैं, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज किया कि इस पर एजेंडा साथ दाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जयप्रकाश यादव आरजेडी के सांसद हैं, वो एक दिन शरद जी घर पे ही मिले, बोले रतन जी आप लोगों ने क्या कर दिया है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया हूँ तो 17 साल का लड़का, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आपने रोस्टर पे बोला कि नहीं बोला, एकदम ऐसे चौड़ा कि आपने रोस्टर पे बोला कि नहीं बोला। पूरे बिहार उत्तर प्रदेश तमाम जगहों पर ट्रेन रोक दी गई, और सरकार को इसी मोदी सरकार को 5 तारीख के सुबह अनाउंस करना पड़ा कि हम अध्यादेश लाएंगे। हम लोग जीते, कोई पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं थी, हुक्मरान बनना है इस देश का, बाबा साहब का एक लाइन किस संदर्भ में बोले तो वो भी नहीं पता है, तो हुक्मरान बनते बनते हम लोग हुक्का राम बन गए। इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी वाला दिन मुझे वापस दो, क्योंकि वो दलितों के लिए बेटर काल था, सुरक्षित था, उसको मारता नहीं था कोई, आईआईटीज में एडमिशन हो रहे थे, वैकेंसीज निकल रही थी। राजीव गांधी वाला समय वापस करो, जब वहाँ स्पेशल ड्राइव आ रहे थे हमारे। अभी मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ सर बैठे हुए पटेल साहब, 25,000 SC ST OBC के बच्चे पिछले 5 साल में IIT यूनिवर्सिटीज ने पढ़ाई छोड़ दिया है। हमारे एजेंडा पे है कहीं किसी एजेंडा के तो नहीं, जब हम क्रांति कर देंगे तब एजेंडा, तब हम करेंगे सुसाइड। अभी दिल्ली IIT में हुआ है, बॉम्बे IIT में हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि SC ST OBC के साथ खासतौर से वैसे लोग जो बोलने वाले लोग हैं
उसके साथ ये प्रशासन कैसा व्यवहार करता है। कोई कहीं विमर्श नहीं, नौकरी खत्म हो रहा चिल्ला रहे हैं, लेकिन नौकरी भी आपका गया तो पैसा चंदा कौन देगा, 10 साल बाद तो पैसे रहेंगे नहीं। एक अभी हिंदू कॉलेज की बात हुई, वहां एक ओबीसी बच्चा सुसाइड किया, 4000 SC ST ओबीसी टीचर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एक नजर नहीं आया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए कि लोग जागे। 10 साल से हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल हमको तंग कर रही, को नहीं जीत पा रही, तो मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवा दे रही, कचरा फैलवा रही, 10 किताबें मैं प्रकाशित करके मेरा प्रमोशन रुक गया। तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाह रहा हूं, और इस पर अगर हाउस चाहे तो अगली मीटिंग में भी बहस कर ले। शिक्षा, मैं तो गांव से आया हुआ आदमी, मेरे पिताजी एक क्लर्क थे सिंपल, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूं 26 साल से, और मुझे देश दुनिया में लोग जानते हैं। ये अवसर था ना, एक अवसर मिला तो मैंने कर दिखाया, और वैसे ही लोगों का दमन कर रहा है सरकार, और सब प्रिंसिपल वाइस चांसलर हर जगह RSS का आदमी बैठा हुआ है। कहीं आप चिट्ठी लिख दो, मैं राजनाथ सिंह से पर्सनली मिला था, मैं आर्टिकल लिखूंगा, किताब लिखूंगा कि साला कचरा साफ करवाने जाऊंगा वहां। आपको पता है कि SC ST का फ्रीशिप खत्म हो गया है, स्कॉलरशिप नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं, आधा मेडिकल कॉलेज में यह है, एक आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं कि अभी पार्लियामेंट में ही पेश हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंकड़ा आप जानिए। और 1000 इशू हम एक साथ नहीं उठाते हैं, एक समय में एक ही इशू। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा नहीं, लोहा को इतना पीटो कि लोहा गर्म हो जाए, इतना पीटो। जिसकी हिम्मत है मेरी नौकरी ले लो, लोहा पीटते रहेंगे, एक ही जगह पीटेंगे, डरेंगे नहीं किसी से। ये पार्लियामेंट में 45 यूनिवर्सिटीज में कितने परसेंट SC ST OBC उसका आंकड़ा है, टोटल 13,098 टीचिंग पोजीशंस, ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर एसोसिएट असिस्टेंट नहीं दे रहा हूं, उसमें से 87 और 34 जो है जनरल, यानी कि तकरीबन 67%, SC 1421 11%, ST 625 5%, OBC 1901 जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा है, प्रोफेसर तो है भी नहीं, एक दो ही है, 14.5% के तकरीबन है, और वाइस चांसलर 45, SC 1 ST 1 OBC 5, रजिस्ट्रार 45, 2 SC 2 ST 3 OBC। एजुकेशन हमारे एजेंडा में नहीं है, और वो जानते हैं कि एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर से अपना नेता तैयार करता है, हम इलेक्शन में नेता तैयार करते हैं, वो यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया, हम समझते हैं कि चुनाव के दिन शिव जी के बराती की तरह भभूत निकाल के निकलेंगे, हरा देंगे, बहुजन 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 मिसनोमर, वो रियल रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नहीं तो आज तक तो सरकार में हमारी कब्जा हो गई रहती। कौन यहाँ मंडल कमीशन का रिपोर्ट कितने लोगों ने पढ़ा, कौन हिस्ट्री जानता है कि वो आर्टिकल 340 कहाँ कैसे आया, कौन जानता है कि अंबेडकर के साथ 1932 में क्या डिबेट हो रहा था ओबीसी का, कौन जानता है कि पहला एंटी ब्राह्मण मैनिफेस्टो कहाँ जारी हुआ था, कुछ पता है? इसके लिए कोई ना रिसर्च टीम है, ना फंडिंग है, हमारा इंटेलेक्चुअल जो यूनिवर्सिटी में आ रहा है बेचारा डरा हुआ है। 4000 होगा ऐसे क्या, 4000 होगा ना, कोई नजर नहीं आता है। नहीं तो जितना हम लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज प्रशासन से, 4000 प्रोफेसर एक दिन चला जाए वाइस चांसलर क्या होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन मुर्गा कटता है तो एक जो है कटते रहता है, दूसरा दाना चुगते रहता है। इसमें से बहुत सारे लोग इस चक्कर में होंगे, हमको प्रिंसिपल बनना है, हमको डीन बनना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी और आपके एजुकेशन को आप नहीं बचा पाए। नेता तो ऐसा है, अब तो पार्टी का पार्टी खरीद लेता है, 85 जीत भी जाओगे ना तो पता लगा अडानी अंबानी आया, 75 को भी खरीद लिया, क्या करोगे? विचारक को नहीं खरीदा जा सकता है, जिसकी विचारधारा मजबूत होगी उसको नहीं खरीदा जा सकता है। हम लोग कैसे होता है, सपा में आज कल हो गया बीजेपी में चला जाता, कैसे ओवरनाइट कांग्रेस से MP रहा और फिर चला गया बीजेपी में, ओवरनाइट चला गया। हमको इस पर चिंतन मनन करना होगा, हमें नए जमाने के लीडर्स, अभी लोकेंद्र बैठा हुआ है मेरे पास आया था, बोला कि 50,000, हमने 50,000 कोई दिक्कत नहीं, मैं ही दे सकता हूँ, हमने देना नहीं, अब रिव्यू पिटिशन में जाओ, जाओ वहां पे एक बार 2-4 महीना जेल रह के आओ, तब लीडर बनोगे, बढ़िया से लड़ो भिड़ो। तो कायर लोग कभी मिशन नहीं चला सकता है, लालची लोग कभी मिशन नहीं चला सकता है, इसके लिए त्याग करने वाले लोग चाहिए, इसके लिए लड़ाका लोग चाहिए। और ये लड़ाई लाठी की लड़ाई करने के तो सिपाही हमारे पास लाखों है, अभी तो यहाँ की लड़ाई लड़नी है, बुद्धि की लड़ाई लड़नी है। इस देश में लोकेंद्र जैसे 100 एक्टिविस्ट चाहिए, इस देश में सूरज मंडल जैसे 100 इंटेलेक्चुअल चाहिए, इस देश में रतन लाल जैसे 100 लोग चाहिए, चौक चौक पर तुम्हारे जवाब देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा तुम्हें दर्द कहां होता है। सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है कि जब दलित वाइस चांसलर के, मिनिस्टर के, प्रिंसिपल के आंख में आंख मिलाकर बोलता है हाउ डेयर यू, वहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, हड्डी में चोट लगता है, दलित हुए कैसे ऐसे बोल दिया, हम ऐसे ही बोलेंगे, मुझे पता है यही दर्द हो रहा है। एक खाली बचाइए अभी, और मेरी ये समझ है
कि मोदी जी अपने अच्छे दिन आप ही रखो, मुझे तो पुराने वाले ही दे दो। जितने दम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है कागज कि हम जाति जनगणना नहीं करा सकते, हमारे बहुजन लीडर्स में कमी है। कहीं किसी का टीम देखे हैं भाटी साहब? कोई टीम नहीं है, कोई रिसर्च टीम नहीं होता है। लोहिया के किताब तक नहीं पढ़ता, अम्बेडकर का किताब तक नहीं पढ़ता है, कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। मोनो एज सिंगल एजेंडा उठाइए, जिस दिन हम लोग एक दिन दिल्ली घेर देंगे चारों तरफ से ना, कि एक भी हमारे बच्चे अगर यहाँ सुसाइड हुए, अब वाइस चांसलर को या डायरेक्टर को सस्पेंड नहीं किए, तुम्हारा पूरा IIT घेर देंगे। इन सारे संस्थाओं पे, रिसर्च सेंटर पे, यूनिवर्सिटीज पे, हर जगह वो कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू।